अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज पूरा देश आजादी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मना रहा है, लेकिन आज की तारीख से जुड़ी हुई कई बातें हैं जो शायद आपको भी पता नहीं होंगी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस दिन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के स्वाधीनता का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन जब भारत देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, जब गांधी जी इस खुशी के अवसर में मौजूद नहीं थे। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से बहुत दूर थे। वो उस समय बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो दो गुटों के बीच हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। वही अपना भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया था। आपको पता होगा कि हर बार 15 अगस्त के दिन लाल किले में ही झंडा फहराया जाता है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ये नहीं हुआ था। नेहरू जी ने 16 अगस्त को झंडा फहराया था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध में ये बात बताई गई है। क्या आपको पता है, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान एक ही थे, इनका विभाजन नहीं हुआ था। दोनों देशों के विभाजन का फैसला 17 अगस्त को किया गया था, और इस दिन रेडक्लिफ लाइन की घोषणा की गई, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को अलग करता है। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। तो चलिए आगे आपको कुछ और भी रोचक बातों से रूबरू करवाते हैं। तो क्या आपको पता है कि 15 अगस्त भारत के अलावा 3 और देशों का स्वतंत्रता दिवस भी है। इस दिन दक्षिण कोरिया, बहरेन और कांगो ये देश भी आजाद हुए थे। वही 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कोलकाता से हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। साथ ही आपको बता दे 15 अगस्त 1519 को पनामा शहर बनाया गया, और 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में अलग सिविल और आपराधिक अदालतों के गठन का फैसला लिया था। साथ ही आपको बता दे 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश राज से भारत को आजादी दिलाने में अहम योगदान देने वाले महर्षि अरबिंदो घोष का जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रगान का पहला शब्द जनगण मन अधिनायक जय हिंद भी 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर गाया गया था। आगे आपको बता दे 15 अगस्त 1765 को ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और ओडिशा को अपने अधीन कर लिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा 3 स्थानों पर फ्लैग मार्च लिया जाता था, लाहौर, दिल्ली और कलकत्ता। इसमें से दिल्ली में फ्लैग मार्च 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और महात्मा गांधी ने आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ राजघाट पर जाकर तिरंगा फहराया था। वही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया था। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।